आप जितना पढ़ाया आप उसकी प्रैक्टिस की बारी है, प्रैक्टिस की बारी है। तो सर ने मुझे कुछ टॉपिक भेजे हैं, आप ये वाले टॉपिक पढ़ाओ। टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। आप जो पढ़ा रहा है टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन। ये कॉपी है फॉर्मेशन है, और जो सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद एक सेंटेंस करेक्शन है, एक टॉपिक है सेंटेंस करेक्शन। तो पहले आप सेंटेंस फॉर्मेशन पढ़ेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन होता क्या है? तो सेंटेंस फॉर्मेशन तो एक बहुत छोटा चैप्टर है, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। छोटा चैप्टर है, उसके बाद जो सेंटेंस करेक्शन है वो आप पढ़ोगे। सर इसमें सिंपल और कंपाउंड वगैरह नहीं पूछता है? हाँ बिल्कुल पूछता है। आपने करा दिया क्या? है आपने करा दिया? बिल्कुल नहीं करा। देखो सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब ये होता है, जैसे असर्टिव सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस है, उस असर्टिव सेंटेंस को आप से वो इंट्रोगेटिव में बनवाएगा। लेकिन बात ये है कि इंटरोगेटिव में तो बनवाएगा लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। ये होता है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है? हाँ, जैसे सेंटेंस है उसको इंटरोगेटिव में तो बनाओ लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, आप खुद समझ जाओगे कि यहाँ दोनों का अर्थ एक जैसा है, वही होता है वर्ड फॉर्मेशन। जैसे अगर मैं पहले सेंटेंस की बात करूँ तो मैं कहूँ कि गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है, प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को, ये असर्टिव हो गया। असर्टिव का मतलब क्या होता है? या तो अफर्मेटिव में होगा या नेगेटिव में होगा। असर्टिव का मतलब सब्जेक्ट पहले, है ना? एंड्रोगेटिव में बनाना है कोई सेंटेंस की प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानता है। तो अगर मैं कहूँ क्या प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं तो क्वेश्चन वैसा बना नहीं। इसीलिए आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है कि वही अर्थ। तो मैं बताऊँ क्वेश्चन है कि प्रत्येक व्यक्ति गांधी जी को जानते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दुनिया गांधी जी को जानती है। तो ऐसे नहीं कह सकते हो कि गांधी जी को कौन नहीं जानता। जी सर, अगर वर्ड हो गया गांधी जी को कौन नहीं जानता, इसका मतलब क्या है? गांधी जी को पूरी दुनिया जानती है। यही होता है वर्ड फॉर्मेशन। इधर बच्चों ने कर दिया, यही होता है वर्ड फॉर्मेशन। तो जैसे पहला संदेश मैं देखू, जैसे एवरी वन, पहला संदेश देखू everyone no, प्रत्येक व्यक्ति no means जानता है, पंडित नेहरू, पीटी नेहरू, प्रत्येक व्यक्ति पंडित नेहरू को जानता है। ये सेंटेंस हमारा असर्टिव है ना? अच्छा, जैसे उसको कोई नहीं जानती, तो ऐसा अगर कोई जानता है उसके, मतलब
कोई नहीं जाता। तो इसका ये खेल है एक्सेसिव का, अगर एक्सेसिव अफर्मेटिव में तो वो नेगेटिव पे बनेगा इंट्रोगेटिव, अगर एक्सेसिव नेगेटिव में है, अगर अफर्मेटिव में आए तो इंट्रोगेटिव बनाते समय नाश लगाओ। अगर एसर्टिव कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, दो तरह, कौन कौन से एसर्टिव कितने तरह के होते हैं, होते दोनों सब्जेक्ट हैं। अफर्मेटिव में ऐसा ही है, वो अफर्मेटिव में क्या होगा, नॉट नहीं लगा होगा, नेगेटिव में नॉट लगा होगा। लेकिन एसर्टिव और असर्टिव के दोनों भाग है, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों किससे शुरू होते हैं, सब्जेक्ट, बस एक नेगेटिव होता है और एक क्या होता है अफर्मेटिव। तो मैं बता रहा हूँ जब आप इंट्रोगेटिव बनाए इनका, तो अगर आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव से बन पाएगा, अगर आपका असर्टिव अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। चलो मैं एक बात बता रहा हूँ, एवरी वन नॉ पंडित नहीं, प्रत्येक व्यक्ति पंडित नेहरू को जानता है, तो प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में आए है ना, तो आ जाएगा इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, हु डज नॉट नो, कौन नहीं जानता, पी टी नेहरू को कौन नहीं। ये हो गया वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा होता है ट्रांसफॉर्म। ऐसे ही आपसे पेपर में पूछेगा कि ट्रांसफॉर्म कीजिए इस सेंटेंस का इंट्रोगेटिव, समझ रहे होगा है ना। तो मैंने क्या कहा कि अगर एसर्टिव होगा, वरना दोनों इंट्रोगेटिव में है, तो इधर अफर्मेटिव में है तो इसमें नॉट लगा, और पहले से ही नेगेटिव है तो नॉट नहीं है ना। जैसे everyone has के बाद वर्ब को ध्यान लगती है, हियर मीन सुनना, हेयर मीन सुना, प्रत्येक व्यक्ति ने सुना है, आप गांधी जी, प्रत्येक व्यक्ति ने गांधी जी को सुना, प्रत्येक व्यक्ति ने गांधी जी को सुना है, तो क्वेश्चन आएगा कि गांधी जी को किसने नहीं सुना है ना। चलो इसको भी बना दो, अभी इसको मत बना दो, हु इसमें क्या आएगा, हैज नॉट, थर्ड फॉर्म आ गई, हैड गांधी, हैड ऑफ हैज ई के आर डी, हैड ऑफ गांधी, गांधी जी को किसने नहीं सुना, cry, help,
एवरी वन गुड मॉडल वर्ब है ना बिल्कुल गुड फर्स्ट लगेगी प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाए चिल्लाता प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाता व्यंग स्ट्रक जब फंस जाता है प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाएगा जब फंस जाएगा प्रत्येक व्यक्ति चिल्लाएगा जब फंस जाएगा तो ये क्या जब फंस जाएगा तो कौन नहीं चिल्लाएगा कौन नहीं हाँ तो लिखा जाएगा हु वुड नॉट क्राई कौन नहीं चिल्लाएगा व्यंग इंप्रूवमेंट तो मुझे लगता है कि ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया है ना यही है वर्ड फॉर्मेशन और सबका यही क्वेश्चन आएगा 100% ठीक है वही वाला आएगा बताओ मैं वो नहीं कर रहा हूँ आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना इंट्रोगेटिव बनाना बेटा ये वर्ड फॉर्मेशन है ये नौकरी के पेपर में आता है वर्ड फॉर्मेशन इसका मतलब ये होता है वर्ड वही रहना चाहिए लेकिन अर्थ ना अर्थ ना अगला दो अगला पांचवा खेल खत्म यहाँ से ऐसे सेंटेंस देखो समझ ही गए इन सबको समझाने का मतलब था मेरा केवल एक सेंटेंस सब एक ही जैसे तो हैं तो बस बन जाएगा बन गया अब मैं जो सिखाने जा रहा हूँ ये सभी टाइप बन था बनाई गई अब जो है अब टाइप टू बताने जा रहा हूँ जैसे नो मन है सीन द विंड हवा को इसमें तो नॉट लग गया कहाँ है नॉट है हवा को किसी ने नहीं देखा है अरे या है भी तो आता चुका है या है तो हवा को किसी ने नहीं देखा है अब जब इधर वाला पहले से ही नेगेटिव है तो उधर वाला इंट्रोगेटिव में बदलना है हमें तो आप बताओ इधर नाट लगाओगे या नहीं लगाओगे अब नहीं लगाओगे नहीं तुमने यही तो मैं समझाना चाह रहा था जब एसर्टिव अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनेगा जब एसर्टिव नेगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में बनेगा नॉट ये तो इसका अर्थ क्या नो वन हैज सीन द विंड हवा को किसी ने नहीं देखा तो इसमें इसमें सीधे सीधे आ जाएगा जैसे हवा को किसी ने नहीं देखा तो क्वेश्चन आएगा किसी ने देखा है क्या हवा को ऐसे तो आएगा किसी ने देखा है क्या हवा को इसका मतलब क्या है कि किसी ने नहीं है नहीं है तो इसका आप बताओ कैसे बनाओ हु हैज सीन द विंड नो वन हैज सीन द विंड हवा को किसी ने नहीं देखा तो वो है सीधा विंड क्या हवा को किसी ने देखा है क्या हवा को किसी ने देखा है उसका सेम अर्थ है कि किसी ने नहीं देखा देखो मैं कहूँ हवा को किसी ने नहीं देखा क्या ऐसा कर दूँ किसी ने देखा है तक हवा को उसका भी अर्थ है कि नहीं देखा तो इसमें देखो जब नेगेटिव होगा तो उधर जो अंक इंट्रोगेटिव बनेगा वो बिना नाट वाला बनेगा समझ रहे हो No one can surpass her in loveliness. No one can surpass her in loveliness. जाने देना
कुछ जाने देना चाहता है, जो बुलाने देना चाहता है, तो नॉर्मल टाइम का पास है ना, जो उसका प्रेम है उसको कोई नहीं जाने देना, कोई नहीं जाने देता है ना। तो तीसरी बात, कौन जाने दे सकता है अपना जो प्रेम है उसको, कौन जाने दे सकता है? तो हु कैन सत्वा हर इन लवली ने जाने देना था। रात में इतनी क्यों कम हो?
पीछे बटा सही ऐसा कर देना, बीच में मार देना, वो फोटो तो पता होगा। ये पहली बार आई है। कोई बात नहीं, तभी तो कहा ये भी। हाँ पीछे जाओ ऐसे तो मेरा काम ऐसे। हाँ देखो सब लोग आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ। इतना नहीं तो डिग्री तो होती है। देखो जैसे सबसे नाम यू
ग्रेटर, ग्रेट था मैंने क्या लगा दिया किया, तो इसके बाद क्या लगना जरूरी है ग्रेटर देन आई, ग्रेटर देन, ये हमारा किसमें हो गया कंप्रेसिव, इसमें हो गया कंप्रेसिव। उसके बाद आई एम द ग्रेटेस्ट बॉय इन द क्लास। अब इसमें ये कौन सी डिग्री हुई सुपरलेटिव, तो पॉजिटिव डिग्री इस फॉर्म में होगी, कंपैरेटिव इस फॉर्म में होगी और पॉजिटिव इस फॉर्म में होगी, समझ रहे हो बात। अब मैं आपको बताऊं वही वाला नियम, वही वाला रूल बताने जा रहा हूं। एक रूल सा है, एक रूल सा है, एक रूल है कि अगर सेंटेंस अपर अब रूल में पढ़ा रहा हूं, रूल नंबर अगला, आपको अफर्मेटिव से देखो, अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, किसमें बनाना है नेगेटिव, लेकिन ये क्या करना है सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, आपको क्या करना है सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है नेगेटिव में बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले, यही कहलाता है सेंटेंस फॉर्मेशन, समझ रहे हो। तो ये इतनी चीजें मैंने क्यों लिखवाई आपको, देखो एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है, सुपरलेटिव होती है। पॉजिटिव डिग्री में आगे पीछे जो एडजेक्टिव होगा वही तो पॉजिटिव डिग्री होती है, जो एडजेक्टिव होती है वही पॉजिटिव डिग्री होती है, आगे पीछे क्या लगा हुआ ठीक है। जब कंपैरेटिव डिग्री वही बनेगी तो पॉजिटिव डिग्री में हम क्या जोड़ते हैं ईआर, अगर ईआर ना जोड़े तो पॉजिटिव डिग्री से पहले क्या लगाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि अगर मोर भी लगा दो ईआर लगा दो सुपर सुपर ग्लॉसेस हो जाएगा। सुपर ग्लॉस का मतलब होता है डबल डबल चीजें, आपने ईआर भी लगा दिया और शुरू में मोर भी लगा दिया, एक काम करके बना लो, तो या तो आप ईआर लगा दो या शुरू में मोर लगा दो, लेकिन बाद में सेंटेंस में क्या करना जरूरी है, मैंने डेल लगा दिया और उसमें क्या लगा दिया ईआर, ये कंपैरेटिव है। सुपरलेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री होगी उसके लास्ट में क्या लग जाएगा ईएसटी, या फिर और शुरू में लगना उसके डिग्री से डेट पहले ईएसटी लगा हुआ, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ द। अच्छा अगर ईएसटी लगा होगा तो शुरू में क्या लग जाएगा मोस्ट, तो ये द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव होगी ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक है जो पढ़ा रहे हैं उसमें सुपरलेटिव का कोई काम है, सुपरलेटिव का कोई काम है नहीं ठीक है। तो आप रूल्स लिखिए, रूल्स क्या है, रूल्स हम सिखा रहे हैं अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाने में कैसे बना दो, तुम लिखो यदि यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे कंपैरेटिव में बदल दो, बदल देना चाहिए, बदल देते हैं। अगर सेंटेंस किसमें हो पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसको किसमें बदलना पड़ेगा कंपैरेटिव में, हाँ बस जो बच्चे आ गए इसके भी साइन करवा लो, कर लो देना पीछे जो जो आया हम बता तीन लोग आए। यदि सेंटेंस पॉजिटिव डिग्री में हो तो किसको बदल देंगे कंपैरेटिव, आगे देखो। तुम चैप्टर क्या पढ़ रहे हो सेंटेंस फॉर्मेशन,
मतलब सेंटेंस का रूप बदलना, अर्थ वही रहना। यदि सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो, कंपैरेटिव डिग्री में हो तो पॉजिटिव डिग्री में बदल दो। किसमें? तो पॉजिटिव में बदल देते हैं डिग्री, यहाँ पर डिग्री लिख दो, डिग्री में बदल देते हैं पॉजिटिव डिग्री। एक बार दोनों लाइनों को ध्यान से करके देखो क्या कहता है। तो फिर उल्टा कर देते हैं, अगर पॉजिटिव डिग्री में हो तो कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं, और कंटेंट कंपैरेटिव डिग्री में हो तो किस में बदल देते हैं? वेरी। और सुनो, जो हम बता, हम अब पहले हमने वर्ड फॉर्मेशन किया था असर्टिव से, किसमें? इंट्रोगेटिव। नेगेटिव था तो इंट्रोगेटिव में नॉट नहीं लगाया, नेगेटिव नहीं था तो इंट्रोगेटिव में नॉट लगाया। अब हम असर्टिव के ही दो विभाग को जरूर बना रहे हैं। अफर्मेटिव से हम क्या बनाना सीख रहे हैं? नेगेटिव। क्या बनाना सीख रहे हैं? अच्छा, मैंने आपको इंट्रोगेटिव से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव से वो असर्टिव से इंट्रोगेटिव तो बनाना सिखाया, लेकिन इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाना नहीं सिखाया। क्यों को सिखाऊं? क्योंकि उसी का क्या हो जाएगा? वो गांधी जी को कौन नहीं जानता, तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या करोगे? जैसे मैं ये कहूं कि who does not know गांधी जी, ये इसका वर्ड फॉर्मेशन करना है। अब ये तो मैंने ऐसा बनवाया था, है ना, तो इसका मतलब वर्ड फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव में है, तो वो किसमें करवाना चाह रहा है? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये बात अफर्मेटिव और नेगेटिव क्या है। देखो, यदि नॉट है तो हटा देते हैं, यदि नहीं है तो लगा देते हैं। हाँ, यदि नहीं है तो लगा देते हैं। ये टाइप आपका दूसरा है, उसके बाद जब मैंने आपको पढ़ाए थे इंट्रोगेटिव वाले, ये आप सीख रहे हो क्या? वर्ड फॉर्मेशन आप सीख रहे हो, वर्ड फॉर्मेशन। अच्छा, यहां पे आर भी बना, आप सीख रहे हो वर्ड फॉर्मेशन, ठीक। नीचे वाला ध्यान, और हाँ एक बात मैं आपको और बताऊं, जब भी पॉजिटिव और कंपैरेटिव बनता है तो ये इधर उधर हो जाता है, इधर का सब्जेक्ट इधर और इधर का सब्जेक्ट उधर। मैंने आपको बताया नहीं, जैसे मैं तुमसे महान हूँ, आई एम एज गुड एज यू, मैं तुमसे महान हूँ। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, क्या बनाना है? नेगेटिव में ये डिग्री जब बनेगी, जब किस में जाएगी? कंपैरेटिव, ठीक है। अगर डिग्री कंपैरेटिव में है, कंपैरेटिव में नेगेटिव जब बनेगी, जब वो किस में जाएगी? पॉजिटिव, है ना। अभी तो मैं आप अफर्मेटिव को नेगेटिव से बता रहा हूँ, नेगेटिव से अफर्मेटिव अभी करवाऊंगा, उसी का उल्टा हुआ कोई भूल नहीं होगा, इसका एक करा दूंगा। तो ये बात समझ में आ गई, मैं तुमसे महान हूँ, तो इसका नेगेटिव में अर्थ क्या आएगा? कि तुम मुझसे महान नहीं हो, तुम मुझसे महान, इसका मतलब मैं तुमसे महान, तभी तो उल्टा करना पड़ता है। ये मैंने कैसे कर दिया? मैं यू आर नॉट ग्रेट करता है, इसमें भी मैंने क्या किया? नॉट देखा है कि ग्रेट पर नॉट लगा दिया, अब लेकिन आई थिंक नॉट नहीं लगा दोगे, पॉजिटिव को धीरे धीरे क्या बनाना, किस में बदलना पड़ेगा? कंपैरेटिव में भी बदलना पड़ेगा। तो आप
मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन कराना सिखा रहा हूँ, किसका अफर्मेटिव से नेगेटिव कराना सिखा रहा हूँ। तो आप कुछ सेंटेंस हैं जो अफर्मेटिव से आपको नेगेटिव में बनाने हैं। जैसे डिग्री वाले आ जाए सबकी बात कर रहा हूँ ना, डिग्री वाले, क्योंकि पेपर में केवल डिग्री वाला ही आता है और नहीं आता है। तो देखो पहला, आई एम फाइटर देन यू, आई एम फाइटर देन यू, बीना इज मोर ब्यूटीफुल, बीना इज मोर ब्यूटीफुल देन मीना, देन मीना, विकास इज बेटर देन ही, विकास इज बेटर देन ही, जहीर खान इज बेटर देन एनी अदर बॉलर, इज बेटर देन बता उसमें सेम वही सेंटेंस है जो आपने इंटर में पढ़े थे। In the Indian cricket team, Arabian Nights ये किताब थी, Arabian Nights, ये Arabian Nights पता कौन सी किताब है? वह नाटक आता था अलिफ लैला, अलिफ लैला ही तो है अरबियन नाइट्स। इज मोर पॉपुलर, अरबियन नाइट्स इज मोर पॉपुलर देन ऑल अदर स्टोरी बुक, ये सभी सेंटेंस बताओ किस में है? कॉम्परेटिव में तो है, लेकिन ये सभी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, इसका हमें अर्थ निश्चय करना है, वर्ड फॉर्मेशन करना है, और किस में करना है, हम क्या करवा रहे हैं अफर्मेटिव से किस में करवा रहे हैं? नेगेटिव में करवा रहे हैं। तो सुनो, पॉजिटिव डिग्री होगी तो उसको किस में बदलना पड़ेगा हमें? कंपरेटिव में, तब नेगेटिव बनेगा, और यदि कंपरेटिव डिग्री में होगा तो किसमें बनना पड़ेगा? पॉजिटिव में, है ना? अच्छा एक अच्छी बात ये बताऊं, एक हमारे सर थे वो मैथ के टीचर थे और वो तैयारी कर रहे थे सीजीएल की, वो भी तो एसएससी सीजीएल में, ऐसा होगा ना जब टीचर लोग हमको बोलते हैं तो कहते हैं तो हमारा पेपर है सर, हमें जी प्राप्त होगा, तो वो मुझसे बोले बोले यार यहाँ आओ, ये बात बताओ इस सेंटेंस में कोई कमी नहीं है लेकिन मुझे कमी लग रही है, तो मैंने क्या कमी लग रही? तो बोले ये बताओ ये ऐस लगा है, ऐस यहाँ पे फिर बीज लगा है, ऐस लगा है फिर बीज लगा है, ये समझाओ। तो अरेबियन नाइट एक किताब, तो उनको तो ये लगा कि ये प्लूरल होना चाहिए, तो मैंने उनको ये कहा, मैंने क्या क्या पढ़ाते ऐसे, मैंने कहा तो वहाँ हंसी, मुझे तो पता ही था वो मैं पढ़ाता, तो मैंने कहा कि ये क्या लिखा हुआ है, तो बोले मैथमेटिक्स, तो मैंने कहा यहाँ पे तुम ये बताओ
आर लगाओगे या एज लगाओ? तो बोलिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो एक मैथमेटिक्स में टीचर को ही लगेगा। तो मैंने कहा सही है, मैंने कहा ये बताओ इसमें क्या लगाओ? तो मैं कहा इसमें एज लगेगा भाई, एज इसमें भी एज इसमें भी। तो ये तो बात सिमिलर होते हैं, लगते हैं देखने में सूरत। जैसे तुमसे तो वही बात हो गई कि तुमसे कहें कि बताओ इसमें क्या आई एन जी कहाँ वाली लगी हुई है, नहीं लगी है, ये तो इसकी स्पेलिंग ही। अगर इसमें आई एन जी लगाना है तो इसमें आई एन जी अपने पास से लगा, क्योंकि वो आई एन जी नहीं है, वो तो उसी बढ़ गया आई एन जी है। हाँ तो इसको बनाओ, देखो कैसे बनाओ। तो इसको पॉजिटिव में बनाओ, मैं क्या बनाना सिखा रहा हूँ बताओ बेटा। अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना सिखा रहा हूँ, लेकिन चेंज नहीं करना है, हमें केवल वर्ड फॉर्मेशन करना है, आप नहीं करना। तो मैं तुमसे मोटा हूँ, आई एम फैटर देन यू, आई एम फैटर देन यू। जब देन है तो ये कंपरेटिव में है, जो देन होगा तो वो किस में होगा? तो अगर कंपरेटिव में है तो किस में चलना पड़ेगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव में तो आगे पीछे क्या लगता है? क्या लगता है? तो देखो इसको कैसे बनाओगे, उल्टा बनाना पड़ेगा, किस में? यू, समझा? आई के साथ क्या लगा है? यू के साथ क्या लगाओगे? यही पे हैव टू वर्क के बाद नॉट नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? नॉट लग जाएगा। और यहाँ पे क्या लगेगा? एस। अब फैटर की जगह पे क्या हो जाएगा? फैट, एस आई। मी नहीं होगा क्योंकि डिग्री में सब्जेक्ट दोनों तरफ सेम ही होता है, ठीक है? डिग्री में जो डिग्री है दोनों तरफ सेम ही होता है। अधिक सुंदर
बिना मीना से अधिक सुंदर है। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो हम ऐसे कहते हैं कि मीना बिना से सुंदर नहीं है। क्यों भाई? बिना मीना से सुंदर नहीं है। इसका मतलब है इसीलिए पहले क्या लिखना पड़ा, इसीलिए इसमें क्या लगाना पड़ा है ना। आगे विकास इज बेटर देन ही, विकास उससे अच्छा, यानी उससे विकास अच्छा नहीं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपको लग रहा है ही है ना, तो आप ये मत समझना कि हिम हो जाएगा ना, जैसा है दिख भी। तो लिखो शुरू में क्या लगा दिया आपने, ही इज नॉट लगा दो, आगे पीछे एज लगा दो। बैटर की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और बाकी क्या हो गया। आगे बात समझ कितनी आसानी से तुम किसके अफर्मेटिव में क्या बना रहे हो नेगेटिव और अर्थ भी चल रहे। मैंने क्यों और सेंटेंस नहीं बनवाया, मुझे पता है ना कि इंट्रोवर्टिव में एवरीवन नंबर वाले आते हैं, अब इसमें डिग्री मान लो बस। आगे देखो आए इंटरव्यू में तो बहुत पढ़ाया हाँ, ये भाई देखो ये सेम सेंटेंस, यकीन मानो आप इंटरमीडिएट की कोई भी ग्रामर की बुक लोगे, चलो ग्रामर वो इंटर की ना लो, हाई स्कूल की लोगे, चाहे इंटर की लो चाहे हाई स्कूल की, चाहे बीए की लो, आप जब डिग्री वाला चैप्टर जाओगे तो उसमें आपको डिग्री में जब कंपैरेटिव डिग्री आप क्वेश्चन में पहुंचे तो सेम सेंटेंस तुम्हें मिलेगा, ये वाला सेम सेंटेंस बिल्कुल यही, ये भी नहीं कि कोई गर्ड, ये नाम यही नाम लिखा होगा, हाँ यही ध्यान वाला है। तो सेम वही सेंटेंस का बनती कहाँ है भाई, भाई सब कुछ वही तो है। तो देखिए अब बात ये है, कोई बात नहीं इसमें देन के बाद ये सब्जेक्ट ठीक है, लेकिन देन के बाद इसमें ये भी मिला तो क्या पूरा सब्जेक्ट है, तो हाँ पूरा सब्जेक्ट बनाओगे कैसा, हाँ कि अभी और समय एक बात समझाऊंगा। देखो एनी अदर बॉलर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, कोई क्रिकेट टीम में और बॉलर इज मींस है, इज मींस है, आगे पीछे ऐप लगा दो, समझ रहे ना, आगे पीछे ऐप है ना, इसके बाद नाम लगाओ क्यों, आगे तुम जाओ अभी लिखना, आगे पीछे ऐप लगाओ और बेटर की जगह पे क्या लगोगे, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, अब आप क्या लिख लोगे, ये सेंटेंस यही तो है, लेकिन इसमें एक कमी रही, बताओ तुम, मैं बताता हूँ, सब कुछ सर सही किया आपने, आपने ये नाम लगाया और ये एनी लगाया, एनी अदर, तो सुनो अगर कहीं पर एनी आ जाए, नॉट पहले से लगा होता, हाँ एनी आ जाए, नहीं अभी नहीं है, तो एनी को अगर हम बचे नॉट लगाकर, अगर हम यहाँ पे ये नॉट बेकार अच्छा नहीं लगा, इसीलिए एनी की जगह की हम क्या करते हैं, नो अदर, नो अदर, एनी अदर की जगह क्या करते हैं, तो अपने आप हमारा नेगेटिव हो गया, और जब नेगेटिव हो गया तो फिर हम यहाँ हेल्पफुल वर्ब की जगह पर हम नॉट लगाने की जरूरत। अर्थ देखो कैसा है, जहीर खान इज बेटर देन एनी अदर अदर बॉलर इन, जहीर खान इज बेटर देन एनी अदर बॉलर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, जहीर खान इंडियन क्रिकेट टीम में और सभी बॉलरों से अच्छा है, जहीर खान इंडियन क्रिकेट टीम में और सभी बॉलरों से अच्छा, नो अदर बॉलर इन इंडियन क्रिकेट टीम इज एज गुड एज जहीर खान, जहीर खान जैसा
दूसरा इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर नहीं है, आई सेम अर्थ आया। तो इसीलिए एनी अदर अगर आ गया तो सेम वैसे बनाओ जैसे बना रहे थे, लेकिन नेगेटिव बनाने से अच्छा है कि एनी की जगह पे ये क्या कर दो, नो है ना। ये वाला देख लीजिए, ये अरबियन नाइट्स अलिफ लैला बहुत चली गई। देखो मैं बता रहा हूँ आपके जमाने में तो पता नहीं, अलिफ एक संडे का दिन हुआ करता था, संडे का, संडे के दिन की वो वैल्यू होती थी, मैं आपको पता नहीं कितनी वैल्यू होती। सबसे पहले हम पढ़ते थे पिठौरा और लाइट गांव में होती नहीं थी, तो पिठौरा में सबसे पहले ही प्लान था रोड पे कि सुबह वो इतनी बड़ी बैटरी मिलती थी, एक पूरन लाल एक दुकान वाला था, उसको आप भी जानते हैं, तो लेकिन पता नहीं किस तरह का आदमी है। हम जब 10 साल के हुआ करते थे, 10 साल नहीं 11 कक्षा छः में आए थे, कभी पिठौरा में भी चलवा रहा, जब 11 साल के थे तब भी उसको पैसा ही देखा, और आज 35 साल के हो गए तब भी वो पैसा ही, और वो काम नहीं करता है आदमी बैटरी चार्ज करने वाला, थोड़ा बड़ा भी आया है, उसकी लाइटें वोटें वगैरह बैठे लगा है, तो वो सामने हम उसके बड़े हुए। तो उसके यहाँ शनिवार को हम जाते थे जब पढ़ने, तो अपने कैरियर पे बैटरी वो डाल दी 9 इंच वाली, तो वो वहाँ 9 प्लेट वाली, तो वो बैटरी वहाँ डाल दी, वो चार्ज हो गई, 5-6 घंटे लगते थे। जैसे ही छुट्टी हुई और छुट्टी में आकर वो बैटरी उठा के, अब शाम को किसी को चलाने नहीं देते थे, शाम को मतलब आता नहीं था, कभी कभार फिल्म आती थी बाद में आ जाएगी, पहले नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ, आप संडे को देखो सुबह संडे को 8 बजे गाने आते थे रंगोली, तो कहते अरे गाने ना सुनेंगे नहीं तो प्रोग्राम निकल जाए, क्या आपका गम हो जाए। तो जैसे ही बजते थे 8, वो क्या नाम नहीं, ये 7 बजे आते थे, फिर 8 बजते थे, तब ये आती थी क्या नाम अलिफ लैला, तब ये अलिफ लैला आती थी। उसके बाद 9 बजे से श्री कृष्णा आती, 12 बजे शक्तिमान, फिर 4 बजे मिलती, फिर 4 बजे मिलती। आप बताओ पूरा दिन शेड्यूल का बना हुआ है, अब यकीन मानो पूरा सब देख लेते थे फिर भी इच्छा नहीं होती। तो संडे वाले दिन बैठी हो एक दिन चलता, और अगर घर में काम है जैसे चारा वगैरह वगैरह लाना है तो शनिवार को इतना ले आए संडे को ला। तब उसमें है अलिफ, मुझे याद वो चीज कहाँ से याद हुई वो मैं बता रहा हूँ, हिंदी में लिख के आता था अलिफ लैला, और जय ही अंग्रेजी आती थी तो अंग्रेजी में लिख के आता था अरबियन नाइट, वो बात मुझे आज भी ध्यान है। तो अरबियन नाइट ये किताब में लिखा है कि अरबियन नाइट को लैला कहते हैं, मुझे पता है क्यों लिखा है, मुझे पता है। तो आप ये लोग कहते हैं आर लगा हुआ है भाई, ये किताब का नाम फिजिक्स इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स ये किताब का नाम है, तो ये आ गया। तो ऐसे ही इसको बना, इसमें दैन के बाद जितना है पूरा आज अदर स्टोरी, उसमें एनी अदर लिखा था और इसमें आज अदर। लो तो आज अदर की जगह पे अगर हम अभी कर दें नो अदर स्टोरी बुक, यानी और कोई स्टोरी बुक अच्छी नहीं, अच्छा ये मोर पॉपुलर लिखा है, अब बताओ मोर हटा दूं, हटाना पड़ेगा, मोर किसके लिए लिखा हुआ है, कंपरेटिव डिग्री। मैंने कहा अगर कंपरेटिव डिग्री या तो लास्ट में ईआर है, और या फिर अगर ईआर नहीं जैसे तुम ये लिख दिया मैंने ग्रेड, तो इसमें कंपरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या लिख दिया, ये लिखा है क्लियर, ये लिखा है टैल, तो कंपरेटिव डिग्री क्या हो गई टैलर है ना। लेकिन ये लिखी है डिग्री ब्यूटीफुल, तो इसका अगर आप ब्यूटीफुलर करोगे तो आज तक तुमने कभी पढ़ देखा ही नहीं था ब्यूटीफुलर। तो इसीलिए ब्यूटीफुलर अच्छा नहीं होता है, उसमें शुरुआत में क्या लगता था, तो जो मोर ईआर का काम करता है, ठीक है, इसीलिए ये वाला मोर जो है वो क्या कर दोगे हटा दो।
हरी गिरी रखो ना आगे पीछे ऐड करो खाली पाप लो सर लेकिन अदर स्टोरी बुक से तो आर नहीं तो हाँ वेरी गुड बड़ा अच्छी बात है लेकिन मैंने ऐसे लिखा नहीं होता तो यहाँ पे तो लेकिन इसमें लगा दो लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ऐड लगा दो क्या लगा दो तो अब तो यहाँ पे क्या रहेगा आर लगेगा बिल्कुल बहुत अच्छी बात बताई है आगे लिखिए ऐड और फिर क्या आ जाएगा अरबियन नाइट अरबियन नाइट तो ये हो गया आपका वर्ड काउंट ठीक है आपने ये क्या किया बताओ क्या किया अफर्मेटिव से किसने किया नेगेटिव अफर्मेटिव से किसने किया तो आप नेगेटिव बनाना सीख गए है ना क्यों फॉर्मेशन करना अर्थ नहीं बदलना चाहिए तो आपने उतार लिया ये सब बातें ना बात ना अब आप अफर्मेटिव से नेगेटिव को आपने बनाना सीख लिया लेकिन यहां से लिखो नेगेटिव से अफर्मेटिव नेगेटिव से अफर्मेटिव करना है आपको क्या टॉपिक है सेंटेंस फॉर्मेशन फॉर्मेशन का मतलब रूप बदल देना सेंटेंस का रूप बदलना लेकिन अर्थ ना बदलना तो क्या है इधर वाली चीजें मैं इधर लिखने लगूंगा लेकिन सेंटेंस ये नहीं सेंटेंस चेंज लिखूंगा देखिए पहला सेंटेंस ही इज नॉट जी सर देन आई अगला आई एम नॉट डलर देन यू सी डज नॉट नो यू सी Does not know you. वह तुम्हें नहीं जानती है Better than I. ये सेंटेंस थोड़ा अलग है कोई बात नहीं ज्यादा दिक्कत नहीं अगला है He does not have more money. He does not have more money than honesty ईमानदारी से ज्यादा उसके पास पैसे नहीं कॉपर लेकिन सब नहीं चलते कुछ नहीं बदला हुआ कॉपर इज नॉट मोर यूज अब यूजफुल होगा नहीं इसलिए मोर लगा दिया मोर यूजफुल देन आयरन लोहे से ज्यादा महत्वपूर्ण कॉपर ने तो ये सभी सेंटेंस किसमें है बताओ सभी सेंटेंस किसमें हैं
कैन नॉट रन फास्टर, तुम तेज नहीं दौड़ सकते, देन हाउ, घोड़े से तेज नहीं दौड़ सकते। I know you, है ना? I know. अब उसके बाद क्या हुआ?
आई नो, अभी क्या होगा? यू पहले है, वह इन्हें नहीं जानती थी, अब मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। अब यहाँ पे एज गुड एज समझते रहना, एज गुड है ना, यहाँ पे क्या लगा दो सी, लेकिन ये सेंटेंस अच्छा नहीं लगा। अच्छे की बात आए, किसकी बात आए? अच्छे की बात आए, और वो भी अफर्मेटिव, भाई नेगेटिव था तो गुड अच्छा लगा, समझ रहे ना। इसके बाद एक वर्ड और भी है, यहाँ पे लगा दो एज वेल एज, आई बात समझ में? और ये प्रोपोजिशन, ठीक है, ये चीज आप माइंड में एक चीज याद कर सकते, इसको आपको करना पड़ेगा। चलो आगे बताओ, ही डज नॉट हैव मोर मनी देन ऑनेस्टी, तो इसमें ही है ना भाई, ये तो हैव लगेगा, ये तो हैव जो है वो तो लगेगा, लेकिन उल्टा प्रॉब्लम करो, देखो ऑनेस्टी ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी है ना, मोर मोर लगा हुआ एज मच मनी, क्या बनाओगे? मच मनी ऐसे है ना, मोर का पॉजिटिव होता है मच, क्या होता है मच। रुको, मैंने कहा मोर हमेशा किसी के साथ लगाना है ना, सुनो कंप्लीट पॉजिटिव डिग्री में मोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो तो हमेशा किसी के साथ लगता है, लेकिन अगर मोर है और मोस्ट है, और अगर यहाँ पे कुछ ना हो, मनी को डिग्री थोड़ी ना है, अरे इधर देखो ना, ये मनी कोई डिग्री है, एडजेक्टिव है नहीं है, तो ये एडजेक्टिव है मोर, तो इसको अगर हटा दोगे तो फिर अपने आप से क्या लगाना पड़ता है, ये भी माइंड में रखो, ये तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज लिख दे, मच होता है पॉजिटिव, अपने आप में खुद एक डिग्री है, मोर होता है कंपरेटिव और मोस्ट होता है, आई बात समझ, इसीलिए जब मोर हटा तो डिग्री बची नहीं है ना, और जब बची नहीं तो यहाँ पे मच लगा दो, मच लगा, ऑनेस्टी हैज ए मच, मच लगाया, बात समझ में आ गई है, क्या बताना चाह रहा हूँ बात नहीं समझो, ये मोर हटाया तो यहाँ पर डिग्री कहाँ है, अब ये मनी है, मनी मनी कोई डिग्री होती है? डिग्री किससे बनती है मुझे ये बताओ, एडजेक्टिव किससे बनती है, अब एडजेक्टिव क्या है, वो मतलब विशेषता, विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है ना, तो रुपए क्या कोई विशेषता है, नहीं है, मतलब मनी के लिए ही मोर लगाया गया है, हाँ पूरा वर्ड है, अब आपको मोर, आपको मोर हटेगा कॉम्पिटेटिव चक्कर में, तो मोर की जगह पे ये अब की बार मोर खुद डिग्री आ गई, तो मोर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, मच, ठीक है, इसको हटा देंगे तो गलत है, हटाओगे तो फिर डिग्री कहाँ, दूसरी एडजेक्टिव कहाँ है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ देखो जानवर कैसा, यूजफुल, तो ये हो गई एडजेक्टिव है ना,
लेकिन मनी नहीं है एडजेक्टिव। मनी कैसा मनी है यूजफुल, लेकिन मनी नहीं है एडजेक्टिव। रुपए क्या एडजेक्टिव है? नहीं है। ए एडजेक्टिव है, यूजफुल एडजेक्टिव है, जैसे ब्यूटीफुल है ऐसे यूजफुल है। तो इसको बनाओ, ये देखो इधर उतार लिया है सब, ये उतार लिया सब। ऊपर लिखा चलो बनाओ इसको। पापर है, पापर कैसे बनाओगे देख रहे ना, आयरन से इसको बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओगे? आयरन। इज है पापर के साथ इज लगेगा तो आयरन के साथ साथ भी क्या लगेगा? नॉट है लिखा हुआ तो हटा दो। ये मोर यूजफुल देन जैसा किसका सिस्टम है? मोर यूजफुल तो ये कंपेटिव है ना, पॉजिटिव बदलोगे कैसे? मोर हटाओगे, मोर क्या लगाओगे? यूजफुल। आगे पीछे क्या लगाओगे? तुम कह रहे हो मच यूजफुल नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे वो तो वो यूजफुल हाँ ये है तो ये ना होता। अब क्या हो गया? अर्थ देखो कैसे देखा, कॉपर अधिक यूजफुल नहीं है लोहे से, यानी लोहे से अधिक यूजफुल कॉपर क्या है? आयरन इज एज यूजफुल एज कॉपर, लोहे लोहा कॉपर से अधिक यूजफुल है। वही दिख रहा है अर्थ, तो अधिक अधिक कॉपर है आपने बोला अधिक की तरह है वो एक्ट लगता है ना। आगे देखिए इसको बनाओ है? क्या बनाओ है? दा हवा, खाली हवा क्या लगाओ है? कैन नाट जो है, नाट है तो हटा दो है ना। कैन रन है ना, फास्ट फास्टर का क्या हो जाएगा? है ना, हॉर्स कैन रन फास्ट। रन इधर देखो, रन हो गया। ये तो फास्ट तो क्या है एडजेक्टिव है क्या? ये तो डिग्री है, तो इसके आगे पीछे ऐसे अब लगाओ क्या? यू बन गया। देखो नेगेटिव से हम क्या बना रहे थे? अफर्मेटिव। अरे नेगेटिव से क्या बना रहे थे? अफर्मेटिव है ना, ये सिस्टम नेगेटिव से अफर्मेटिव, अफर्मेटिव से नेगेटिव। तुमने किसका किसका देखा?
पॉजिटिव और कंप्लीटिव, पॉजिटिव और कंप्लीटिव। लास्ट है और देखो रूल्स लिखो, रूल्स लिखो। यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में हो, यदि पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में हो, इसमें हो नेगेटिव में हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के लिए सुपरलेटिव डिग्री में भी बदला जा सकता है। और जो मैं बदलने जा रहा हूं ऐसा सेंटेंस आए थे, जब भी नो अदर वाला आए, कैसा आए तो दो सेंटेंस देख लीजिए। पहला सेंटेंस है, मैं नेगेटिव से अफर्मेटिव सिखा रहा हूं, नो अदर पीक माने चोटी इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। दूसरा सेंटेंस है, नो अदर एनिमल इज, ओ इसमें तो ऐसा हुआ, तो ग्रोसियस तो स्ट्रांग टाइगर। आपने नोदर वाले नहीं पढ़े है ना, वैसे अच्छा डिग्री किसने है उधर का पॉजिटिव में, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव बता रहे हैं आप, किसमें बदलते थे कंपरेटिव बदलते थे है ना, लेकिन ऐसी डिग्री नहीं आई थी नोदर वाले, क्यों तो नो अदर वाली तो बिल्कुल नो अदर मतलब कोई नहीं, नो अदर मतलब तो सुपरलेटिव में। और दुनिया में सबसे बड़ी जब बात आ जाए तो उसको सुपरलेटिव में बदल सकते हो, कैसे कि नो अदर पीक इज द वर्ल्ड, संसार में और दूसरी चोटी कोई नहीं, संसार में और दूसरी चोटी कोई नहीं, इस मीन्स हाई मीन्स ऊंची एज माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंची संसार में और दूसरी चोटी कोई नहीं है। जब तुलना ही कोई किसी से नहीं हो रही है तो सीधे सीधे बदल दो सुपरलेटिव डिग्री में, कैसे कुछ मत लिखोगे, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट इज दा हाई है, दा लगा दिया तो हाई हो गया, ई एस टी लगा दो हाईजेस्ट है ना, हाईजेस्ट नो दर्ड पी किंदा वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंची चोटी है बन गया। ऐसे ही नो अदर एनिमल इज सो स्ट्रॉन्ग एज द टाइगर, जब कोई नहीं है टाइगर जैसा स्ट्रॉन्ग तो क्यों किसी से तुलना करो, सीधे लिखो द टाइगर
इज द स्ट्रॉन्ग की जगह पे क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल। मजबूत जानवर है एक सेंटेंस आप और पढ़ लो एक सेंटेंस अलग से लिख लो आप समझ जाओगे आपने पढ़ा है आपके टीचर ने पढ़ा होगा। देखो वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर so beautiful as the Taj Mahal. एक बार बताऊं मैं आपको नो अदर या वेरी फ्यू पॉजिटिव में आए तो उसका नेगेटिव हमेशा सुपरलेटिव में है। तो हमारे टीचर ने ये कहा था मैंने कहा सची ये वेरी फ्यू कैसे आ गया तो वो ये बोले कि वेरी फ्यू वाले में क्या करिया करना आप वेरी फ्यू वाले में ये तो हटा देना लेकिन दाकी जगह पे आप बन आपदा लगा तो डिग्री से पहले दा लगता है ना डिग्री से पहले जो दा रहता है उसमें दा के मतलब दा की जगह पे आप क्या लगा रहे बन आप दा लगा ना वो बन आप दा ताज महल और जहां पे बेरी जू लिखा है ना क्या लिखा है बेरी जू अब नेगेटिव और नेगेटिव हटाने लगाना वो तो पॉजिटिव से कंपेटिटिव कंपेटिटिव से पॉजिटिव में साइज में थोड़ी ना है तो द ताज महल इज अब बिल्डिंग से लिखा था आ लिखा था ताज महल आया जो वन ऑफ द ताज महल इज वन ऑफ द ठीक है वेरी फ्यू वाले में हमें क्या लगाना होता था वेरी फ्यू वाले में क्या लगाना होता था दाके घर पे क्या लेकिन वेरी फ्यू के बदले में मोस्ट लगा देना क्या लगा देना तो द ताज महल इज वन ऑफ द दा तो लग गया अब ब्यूटीफुल क्या होगा अरे ये तो सुपरलेटिव में बदलने के बाद बदलोगे तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाना पड़ेगा मोस्ट ब्यूटीफुल अरे इसे घबराए तो नहीं मोस्ट ब्यूटीफुल रहे हम तो ब्यूटीफुलेस्ट लिखते ईएसटी लगाते लेकिन वो लगता नहीं है जब नहीं लगता है तो फिर जब मोस्ट जब ईएसटी नहीं लगता है तो पूर्व में हमने क्या लगा दिया बाकी सब हटा दो ये वेरी फ्यू की जगह पर क्या बचा खाली बिल्डिंग बचा बिल्डिंग की जगह पर बिल्डिंग मत लिखना बिल्डिंग लिखना लिखना क्योंकि भाई सभी बिल्डिंगों से तुलना हो रही है ना एक बिल्डिंग से नहीं सका है ताजमहल वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग अच्छी बिल्डिंगों में से एक है कौन ऐसा ही एक क्वेश्चन वेरी फ्यू वाला मैं और एक दे रहा हूँ देखो वेरी फ्यू मेटल गोल्ड की जगह
कैसे वर्ड लिखूं? अब ये तो मेटल था तो अब इज लगे गोल्ड इज, अब जब सुपरलेटिव बनाओ भाई इज द लगाओ ना कि वेरी बी है तो क्या लगेगा? बना कॉस्टली। मैंने ये कहा था कि अगर डिग्री में आखिर में एल वाई हो है ना तो बाई हटाओ, बाई हटा के क्या लगाओ? आप लगाओ लिस्ट, तो क्या हो गया? कॉस्ट लिस्ट सबसे यहाँ